हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी चाइनीज़ रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है चिकन चाउमीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चाउमीन आपने किस तरह से तैयार करने हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चिकन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम्स यानी कि एक पाव के करीब चिकन लिया है, जिसे हमने जूलियन कटिंग में कट करके यहाँ रखा हुआ है। और इसमें अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, लहसुन पाउडर हाफ टेबल स्पून, आप फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं, और ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसी के साथ अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, या फिर आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे सॉसेस में भी नमक है। और साथ ही हमने इसमें डाला है रेड चिली सॉस, जो कि है 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो कि है हाफ टेबल स्पून। इन सबको डालकर अच्छे तरीके से इस चिकन में मिक्स कर लेंगे। और इस चिकन को हमने मैरिनेट करके रखना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर हम स्पैगेटी बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए हमने पानी डाला है, इसमें हमने नमक डाला है, इस पानी को बॉयल होने दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाले हैं स्पैगेटी के 300 ग्राम स्पैगेटीज हैं, इसका एक पैक भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम बॉयल होने तक पका लेंगे। हमारे स्पैगेटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त से बॉयल होकर तैयार हो गए हैं। इसको अब हम उतार लेंगे और साथ ही इसको स्ट्रेनर पर डालकर अच्छे तरीके से छान लेंगे। पानी हमारा अलग हो जाएगा और साथ ही इस पर टैप वाटर जो है वो स्प्रे करेंगे, ताकि ये जो है एक साथ जुड़े नहीं। आप इसे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसको मिक्सअप कर देंगे ताकि ये हमारी जो स्पैगेटी है एक साथ ना चिपके। अब हम चाउमीन के लिए सॉस बना रहे हैं, जिसके लिए हमने सोया सॉस डाला है 3 टेबल स्पून, विनेगर है 1 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा मिर्च वाला बनाना चाहते हैं, 1/4 टेबल स्पून। यहाँ पर है काली मिर्च, लहसुन पाउडर है यहाँ पर हाफ टेबल स्पून, और साथ ही है इसमें नमक हाफ टेबल स्पून या जायके के हिसाब से। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, जो कि है 2 टेबल स्पून के करीब। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे सॉस का। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि है 1 टेबल स्पून, और कुकिंग ऑयल जो कि है 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस चीनी को भी इसमें अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। साथ ही हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बना है हमारा चाउमीन का। इसको अब हम साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर हमने डाला है कुकिंग ऑयल, जो कि है 2 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन, जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो डालेंगे, और इस चिकन को अच्छे तरीके से पका लेंगे। हमारा चिकन जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही जल्दी जो है वो पक जाता है। इसे हम अच्छे तरीके से हल्की आंच पर पका लेंगे। इसका पानी ये जो आया है, इसको भी हम साथ साथ सुखाते जाएंगे। तो हमारी चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अब हम उतार लेते हैं और किसी भी इसको कंटेनर में या प्लेट में डाल देंगे, जब तक ये ठंडी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल डाला है, जिसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक, जो कि हमने बहुत ही छोटे छोटे करके चॉप किया हुआ है। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे इस चाउमीन का। लहसुन के बाद इसमें हम डाल रहे हैं कटी हुई गाजर, जो कि 1 कप के करीब है, या 1 से 2 अदद गाजरे हैं। और यहाँ पर प्याज हैं, जो कि लंबाई में कट किए हुए हैं, ये भी 1 कप के करीब हैं। और शिमला मिर्च है 1 कप के करीब, ये भी बारीक कटी हुई है। और साथ ही हमने
ये हमने इसमें डाले हैं हरी मिर्चें जो कि 2 से 3 अदद हैं। इन सब चीज़ों को हम 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे गोभी जो कि 1 कप के करीब है। इसे हमने श्रेडेड किया हुआ है, इसे भी अच्छे तरीके से इसी वेजिटेबल्स में पका लेंगे। इन सब वेजिटेबल्स को तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है। हल्की आंच पे इन सब वेजिटेबल्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमने इसमें बॉइल्ड स्पेगेटीज डाले हैं। साथ ही हमने इसमें डाला है चाउमीन का सॉस जो हमने बनाया था। इस सॉस से बहुत ही ज़बरदस्त इस चाउमीन का टेस्ट हो जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चाउमीन का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। साथ ही हमने इसके ऊपर जो हमने चिकन रेडी किया था वो चिकन डाल देंगे और इस चाउमीन को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त चाउमीन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा चाउमीन जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।